हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप प्ले स्टोर पे अपना ऐप पब्लिश कर रहे हैं और आपको ये एरर आ रही है कि ये बंडल है ना जो साइनिंग की जो गलत है, या फिर आपके पास जो JKS फाइल है वो डिलीट हो गई, या आप कहीं और रह गए, या फिर आपके डेवलपर ने कंपनी छोड़ दी और उसने जो पासवर्ड डाला था वो हमें याद नहीं है और नहीं हमारे पास JKS फाइल है, या आप उसके पासवर्ड भूल गए, तो आप कैसे अपने प्ले स्टोर पे अपडेट दे सकते हैं? मान लो कि कोई ऐप आपने डाला या किसी और ने डाला, डेवलपर ने भी डाला, अब आप उसका अपडेट देना चाहते हैं लेकिन आपके पास ये एरर आ रही है कि भाई ये दूसरा सर्टिफिकेट आप यूज ले रहे हैं और अपडेट नहीं हो रहा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? या आप भूल गए या कोई और रीजन, आप रिसेट कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपना ना प्ले कंसोल अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। उसमें अपना ऐप चूज कर लेंगे, जैसे मैंने ये ऐप चूज कर लिया मेरा। उसके बाद में आपको जाना है नीचे सेटअप, सॉरी सेटअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप इंटीग्रिटी, उसके बाद ऐप साइनिंग, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और रिक्वेस्ट की अपग्रेड इस पे नहीं करना पड़ने को। उसके बाद करना है रिक्वेस्ट अपलोड की रिसेट, इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, या तो आप लॉस्ट माई अपलोड की पे क्लिक कर दें, या डेवलपर छोड़ गया तो वो लिख दें, मतलब किसी भी में क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद, और नीचे आना है आपको और ये अपलोड डॉट पीएम फाइल। अब ये फाइल कैसे जनरेट करेंगे तो तुम आपको बताता हूँ। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस कमांड से कर सकते हैं टर्मिनल के थ्रू, या कमांड लाइन के थ्रू अपलोड जेसन डॉट जेकेएस, जहां पे अपनी जेकेएस फाइल है वो, और ये सर्टिफिकेट में हो जाएगा चेंज। और अगर आप नए हो और आपको नहीं आता कि कमांड से कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, अपना ना ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, वैसे मैं लिंक भी डायरेक्ट डाल दूंगा, की स्टोर एक्सप्लोरर। उसके बाद जो ये है इसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। और जैसे अभी मैं विंडो में काम कर रहा हूँ तो विंडो में ये वाला सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मेरे पास ये पहले से डाउनलोड पड़ा है, शायद ये रहा, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ आपके आगे। इंस्टॉल यस कर देता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज का करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तब तक मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली अपन जो बनाते हैं जनरेट साइन बंडल एपीके, ये बंडल बना लेंगे, एपीके बनानी हो तो वो आप, मैं डॉट ए बी फाइल बनाऊंगा, नेक्स्ट करेंगे। इसमें आपको क्रिएट न्यू करना है, नई बनानी है तो इसमें आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे डॉट जेकेएस फाइल, इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे, इसमें कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, आप कुछ भी पासवर्ड नया रख लीजिए, और इसको लिख के रखना है आपको, भूलना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपडेट देंगे आप तो यही पासवर्ड आपको काम आएगा, ये पूछेगा। यहाँ पे की 0 ये भी लिख लीजिए आप, पासवर्ड इसमें भी वही डालना है सेम, आप अलग भी डाल सकते हैं बट सेम ही डाल लें चारों चीज चारों जगह पर। उसके बाद नाम डाल दें, फर्स्ट और लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट डाल दें, जयपुर है जहाँ पे भी आप, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सिटी डाल दें, स्टेट डाल दें, और यहाँ पे अपना कंट्री का कोड डाल दें, ठीक है। उसके बाद अब ये मैंने किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा इसको, आप कर लें। उसके बाद यहीं पे वो आईडी पासवर्ड आ जाएंगे ऑटोमेटिक, और ये की आ जाएगी जो वहां पे डाली आपने, और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद रिमेम्बर पासवर्ड पे मैंने क्लिक कर रखा है ताकि ये भूले नहीं, याद रखे। उसके बाद क्या करना है आपको, इन्हें को नेक्स्ट करना है और रिलीज पे जाके इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब जाना है अपने को थोड़ी देर में, ये ना जो JKS फाइल है वो जनरेट हो जाएगी, जैसे मेरे इस फोल्डर में है, अभी मैंने टेस्ट वाला बनाया था तो ये यहाँ पे मैंने सेव की थी, ये अपने पास आ गई TEST करके, और ये JKS फाइल है। अब क्या करना है अपने को, जो फाइल एक्सप्लोरर था की स्टोर वाला,
वो ओपन करना है स्टोर एक्सप्लोरर, मतलब सेम जैसे अपडेट देते हैं वैसे आप करेंगे। उसके बाद इसमें जाना है प्ले स्टोर वाले में, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे ओपन इस पे क्लिक करेंगे, ओपन एन एक्साइटिंग प्ले स्टोर। अब इस पे वो जो लोकेशन पे हमने सेव किया है जेकेएस फाइल, वहां जाएंगे, टेस्ट वाले में था मेरा, तो टेस्ट पे मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। अभी पूछेगा पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे कौन से डालने हैं, जो अपने को एंड्रॉइड स्टूडियो में या जिससे हम एपीके साइन एपीके जनरेट कर रहे हैं वो पासवर्ड ही यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं अभी लिख देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब ये अपने पास इसमें ऑन हो गई। अब इस पे क्या करना है, अपने को डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो भी डिटेल हमारी वो आ जाएगी, मैंने टेम्परेरी बना रखी है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, डॉट ए पी एम है ना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, मतलब डॉट पी एम फाइल जनरेट कर दी, जो जो हमने इसको डिटेल दी थी वो। अब इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद इसको डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ टेस्ट के नाम से ही सेव हो जाए, और इसको चूज कर लेता हूँ, पहले से थी तो उसको राइट कर लिया मैंने। बस अब इसका काम कंप्लीट, आप इसको बंद कर दीजिएगा। ये फाइल यहाँ पे आ गई है टेस्ट के नाम से, देखेंगे। अब क्या करना है आपको, वापस से अपना ये खोलना है, सॉरी प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पे ये चूज कर दिया, और उसके बाद आप ये इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे डेस्कटॉप पे, जैसे ये थी मैंने ये अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। ये करने के बाद आपके पास क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, मेरा रिसेट नहीं करना मेरे को। उसके बाद क्या होगा आपको, कि प्ले स्टोर की तरफ से ना 1 या 2 घंटे में आपके पास मेल आ जाएगा कि आप इस दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, डेट और टाइम दोनों मिलेगा आपको मेल में, इस दिन बाद आप प्ले स्टोर पे अपडेट दे सकते हैं, मतलब नई फाइल नई साइन एपी के आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ना प्ले स्टोर पे अपने साइन की रिस्टोर कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 मेथड बताया आपको कि कैसे रिस्टोर करेंगे, दूसरा कि पीईएम फाइल कैसे जनरेट करेंगे और प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।